राधे शॉप बुद्धि जी गायब क्या चप्पल का टॉपिक ऐसा कुछ है कि शंभू भैया को कॉल आता है महुआ का, कहीं वो फंसी हुई है बट पता नहीं चलता कि कहाँ पर है। हम सब सीन में रहते हैं और फिर वो भागकर जाते हैं उनके पास। उसके बाद वो उन्हें लेकर आते हैं बट शंभू भैया बताते हैं कि वो कबाड़ के गोदाम में कहीं पर बंद है। तो अब कैसे वहाँ पहुँची वो सब पता करने के लिए सब पूछते हैं कि महुआ जी बोलती है कि चप्पल हमने देखी थी, सिर्फ पैर देखा था, तो चप्पल का रंग उन्हें पता रहता है। उसको बेहोश किया जाता है तो उन्हें चप्पल का रंग सिर्फ पता रहता है। बेहोशी में उसको कबोर्ड के अंदर बंद करती है और वैसे वो कबाड़ खाने में चली जाती है। तो बट वही रिवील होता है कि महुआ बताती है कि मैंने इस रंग की चप्पल देखी थी, तो उनका शक जाता है बूंदी पर। तो सभी बूंदी से बोलते हैं तो अब आगे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी का शीला जी, शीला वो आपको सब बताएंगे। शीला जी ने यही बताइए। नहीं यही है, अभी वो धीरे धीरे सब रिवील हो जाएगा कि कैसे वो कबाड़ खाने में पहुंची, ये वो। अभी तो फिलहाल चप्पल का सीक्वेंस चल रहा है, तो जो है वो नहीं है, ऐसे है ये सीन में। मतलब वो बता रही है कि मैंने पिंक कलर की चप्पल देखी, बट वो जब साड़ी ऊपर करती है तो देन रिवील होता है कि ये तो अलग ही चप्पल है। तो बस अभी फिलहाल वो चल रहा है, वो सब देखने के लिए आपको वो शो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, है ना। सर करवा चौथ, हाँ अभी करवा चौथ भी आ रहा है। बिल्कुल, तो अभी करवा चौथ की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो आप
भाई अभी शुरू हो रहा है, एक 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 त्योहार एक एक थीम चल रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं शो। कड़वा चौथ पे साड़ी आई है, किसके लिए आई है? नहीं वो मेरी पर्सनल है साड़ी वो पर्सनल है। तो अभी करवा चौथ में आगे क्या होने वाला है ऐसा अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है, बट हाँ धमाका ही होगा क्योंकि बूंदी राधे से नफरत करती है और शंभू से प्यार करती है। अब देखते हैं कि बूंदी क्या करती करवा चौथ में नया। और आप क्या करने वाले? मैं तो बस यही इंतज़ार में हूँ कि राधे को बूंदी कब अपना ले और शंभू और महुआ के बीच में भी सब अच्छा हो जाए, तो राधे बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम आप? हम बस साड़ियाँ अच्छी अच्छी पहन, इनका करवा चौथ बन नहीं पाया, ये अपने पति से झगड़ा करके आई नहीं है मैं इनके घर में बस एक हूँ मेरा करवा चौथ कुछ नहीं है, बस मैं इस फैमिली की एक हिस्सा हूँ, तो बस मैं सर धज के पति को छोड़कर आया है, हमारी बुआ हमारे घर पर है, पति को छोड़कर आई हूँ। दर्शकों से ये कहना चाहेंगे अपनी पत्नियों को बहुत सारा प्यार दें और करवा चौथ आप भी उनके साथ रखें, सिर्फ पत्नी को ना रखने दें, आप भी उनके साथ पानी ना पिए बस, और खुश रहें सब, यही दर्शकों से कहना चाहेंगे। और शो देखते रहिए 10 बजे रात को न तसेवर या जंजीर। मैम आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे मैम दर्शकों को करवा चौथ के लिए बताइए? ढेर सारा प्यार दीजिए अपनी बीवियों को, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, बस यही रखिए। और क्या, 7 जन्मों की तो बात दूर की है, पहले यही जन्म में आप एक दूसरे का साथ अच्छे से निभाइए और देखते रहिए दंगल पे नथ जेवर या जंजीर। जेवर या जंजीर। थैंक यू। ये चप्पल का ही तो सारा माजरा है। सो बेसिकली जैसे आपको पता है बहुत बवाल हुआ है बूंदी की वजह से। सो अभी ये जो चप्पल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे सीक्वेंस में। सो ये तो मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि ये आपको टेलीकास्ट में ही देखना पड़ेगा कि क्या है और कैसे बची या बची भी है बूंदी या नहीं बची इन सब प्रॉब्लम्स में से। सो आपको टेलीकास्ट में देखना पड़ेगा। ओके, तो बूंदी डरी डरी सी लग रही है इसमें ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, बूंदी डरी हुई है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं महुआ को भी पता ही है कि ये चीज़ तो इसी ने की है, बूंदी ने ही की है, और अब तो उसको पता है अब जो भी उलट पुलट होने वाला है वो बूंदी ही करने वाली है। बट बूंदी इसके लिए ये भी डर रही है कि कहीं बूंदी की इमेज शंभू जी के सामने ख़राब ना हो जाए, कहीं महुआ अपना मुंह ना खोल दे सबके सामने। सो इट्स ऑल दैट। 15-20 रिजेक्ट हुए हैं। हाँ, इसका क्या मतलब समझा जाए? समझा जाए जो समझा जाए। रीटेक्स होते हैं, कभी टेक्निकल इशू होता है, कभी मार्किंग इशू होता है, कभी हमारे रीटेक्स हो जाते हैं, कभी हम उस मार्क पे नहीं आते या उस मार्क पे आते हैं तो टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, या कभी लाइट नहीं मिल पाती। सो रीटेक हो या वन टेक हो, इट्स ऑल ओके। करवा चौथ का व्रत तो मैंने आज तक कभी रखा नहीं है, पर अब बूंदी रखेगी तो देखते हैं किसके लिए रखती है और क्या रखती है। ये भी राज है। बहुत राज है। तो आज के सीक्वेंस के बारे में ऑडियंस से क्या कहेंगे? कि आप प्लीज़ देखिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड प्लीज़ हमारे शो को प्यार देते रहिएगा नथ जेवर या जंजीर हर रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। थैंक यू।